वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन का जो इंसिडेंस है वो भी बच्चों में बढ़ने लगा है। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम कुछ कुछ करके छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में घर में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने हाउस होल्ड काम में भी, या थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कहीं से बढ़ाएं, डाइट में इम्पॉर्टेंट चेंज करें कि जितना हम फल फ्रूट्स खिला सकें, पानी बच्चे अच्छे से पिएं, खूब पानी पिएं, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, मल्टीग्रेन वाली चीज़ें हो गई, तो हमें बेसिकली मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, मिल्क थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखना है और फिजिकल एक्टिविटी को भी कैसे भी करके बढ़ाना है, तो उससे चीज़ें थोड़ा सा बेटर होंगी। अदरवाइज़ कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब लॉकडाउन के दौरान कई बार आजकल मैंने देखा है काफ़ी पेरेंट्स के साथ कि बाहर से बहुत हम खाना मंगाने लगे हैं, तो जंक फूड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैदे का प्रयोग ज़्यादा हो जाता है, या प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हो जाते हैं कि हम काफ़ी सारा एक साथ ले आए कि हमें बार बार जाना ना पड़े, तो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ बच्चों में बढ़ रहे हैं। तो हम जिसको जितना हम नेचुरल खा पाएंगे और जितना हम फ्रेश एंड वार्म खा पाएंगे कि बार बार कुक करके रीकुक करके ना खाएं, सो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों को हम टाइड ओवर करने में हेल्प मिलेगी। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।